लेबर कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेबर कार्ड धारकों को बहुत सारा स्कीम का लाभ दिया जाता है टाइम टाइम पे। अगर आप भी स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म को भरे हैं, अगर वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे आपको फिर से नए तरीके से भरना होगा। पहले हम आपको एक स्टेटस दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया, और इसका जो है दोबारा से भरना होगा। और इसमें जो फॉर्म लगने वाला है, वो फॉर्म हम आपको दिखाते हैं कि वो फॉर्म किस तरह का होने वाला है और कैसे भरा जाता है। इस तरह का फॉर्म आपको भर के लगाना होगा। अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, भरकर लगाना होगा। उसके बाद जो आपका स्कीम का रुपया है वो मिल जाएगा। तो भरना कैसे, चलिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो लेबर कार्ड धारक है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कार्डधारी है वो कहीं पे काम किया है, उसका डिटेल यहाँ पे डालना होगा। कम से कम 3 से 4 आदमी का डिटेल डालिएगा, ताकि ये पता लगे कि ये 3-4 व्यक्ति का घर पे काम कर चुका है, समझ गए हैं। और उसका यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, और यहाँ पे कार्यस्थल डालिएगा जिस जगह पे काम किया है। उसके बाद कार्य की प्रगति जो है वो यहाँ पे आपको डालना होगा, कौन सा काम किया है उस काम के बारे में यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको लिखना है कितने दिन से कितने दिन तक काम किया है। ये तीनों जो चार चार कॉलम में जो हम भरे हैं, चारों से मिला के 90 दिन टोटल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से। तो डेट कब का डालना है, जैसे अभी अगर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो 1 साल बैक जाना है, और वहाँ से आपको डेट उठा लेना है, समझ गए हैं। उसके बाद नीचे आना है, और यहाँ पे उसका डिटेल होने वाला है, और उनसे साइन करवा लेना है, और यहाँ पे आपको मोहर लगवाना है और साइन करवाना है। साइन और मोहर किसका होने वाला है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। वार्ड सदस्य हो गया, वार्ड पार्षद हो गया, पंचायत समिति हो गया, उसके बाद मुखिया हो गया, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इनसे साइन मोहर करवा लेना है, समझ गए हैं। और ये फॉर्म जो है आप किसी भी स्कीम के लिए अगर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ये सब में लगने वाला है, समझ गए। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, स्कीम वाला जो फॉर्म फिलअप किया जाता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ में जो जिस भी स्कीम के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के साथ में इस फॉर्म को भी स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं है पता कि कैसे अपलोड करना है और कैसे सबमिट करना है, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।